हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेल्दी चैनल। तो आज हम बनाएंगे मूंग कैरेट ब्रेड टोस्ट, जो कि किड्स स्पेशल है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। मूंग कैरेट टोस्ट बनाने के लिए हमने हाफ कप मूंग लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से पहले वॉश किए हैं और उसके बाद 5-6 घंटा सोक कर लिए हैं। और अब हम इसे ग्राइंडर जार में ले लेंगे और इसमें हम हाफ कप पानी मिक्स कर देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये जो मूंग है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी और फाइबर होता है। जितना एग में प्रोटीन और फाइबर होता है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे ये मूंग में होता है। तो इसे हम ग्राइंड करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। और ये देखिए, इस तरह का हमें बैटर बना लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा। इससे हमारे जो टोस्ट बनेंगे काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम इसमें कुछ सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रेट करके 1 कप कैरेट को ग्रेट कर लिए हैं और 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ ग्रीन चिल्ली लिए हैं। इसे थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पे किड्स के लिए बना रहे हैं। और 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक है, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ कुरियंडर लीव है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वाद के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ऑर्गेनो ऐड करेंगे। ऑर्गेनो डालने पे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन्हें ज़रूर डालें। और नहीं तो जो पिज़्ज़ा सीजनिंग आता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम अच्छी तरह से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा थिक दिख रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड कर दिए हैं और इसका हम एकदम परफेक्ट बैटर बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, हमारा एकदम अब परफेक्ट बैटर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम टोस्ट को बनाते हैं। बहुत ही अच्छा और हेल्दी टोस्ट बनके तैयार होगा। तो टोस्ट बनाने के लिए हमने पैन को गरम कर लिए हैं यहाँ पे और फ्लेम को लो कर दिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बैटर और 1 टीस्पून यहाँ पे हम तेल ऐड कर रहे हैं ताकि जो हम बटर डाले हैं वो जले नहीं, और फ्लेम को लो कर देंगे। और अब हम जो बैटर बनाए हैं यहाँ पे देखिए, इसे हम अच्छी तरह से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और हम यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज किए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं इस टोस्ट के लिए। और अब हम इसमें डिप कर लेंगे इस तरह से ब्रेड को, और जो हम सब्ज़ी डाले हैं इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और डायरेक्ट हम इसे पैन में डाल देंगे। और अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट एक साइड से हम इसे पका लेंगे। करीब 2-3 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। सावधानी से पलटिएगा, इस तरह से करके हम टोस्ट को पलट लेंगे। और इस तरफ से भी हम अच्छी तरह से एकदम सुनहरा होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और हमने दोनों साइड से पलट पलट कर टोस्ट को सेक लिए हैं और ये हमारा एकदम किड्स स्पेशल टोस्ट बनकर तैयार हो गया है। एकदम हेल्दी टोस्ट होता है ये देखिए। और इसी तरह से हम दूसरे तीसरे टोस्ट को सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो दूसरा टोस्ट है वो भी बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं।
और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म कैरेट ब्रेड टोस्ट बनके तैयार हो गया है। इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और अगर आप सफ़र में भी जा रहे हैं तो बच्चों के लिए ले जा सकते हैं, और धनिया की चटनी नहीं तो फिर टमाटो केचप के साथ अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी टोस्ट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।